हेलो गाइज, वॉम वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो इस पे होने वाला है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर आपका कनेक्शन है किसी पर्सन के साथ जो मैरिड है, या अगर आप मैरिड हैं, तो क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपके लिए, राइट? सो आज हम देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। अगर आप चाहते हैं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आप राइट गाइडेंस ले पाए इस रीडिंग से। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग कॉमेंट करना है, तभी आप इसकी एनर्जीज को क्लेम कर पाएंगे। सो देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। थैंक यू वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्स, पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्स, ब्यूटिफुल। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द स्टार, लवली। द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, ओके, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ वॉन्स, गाइज एनर्जी इज ब्यूटिफुल हियर, एंड आई मस्ट से कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपके लिए बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, अट्रैक्शन इनका बढ़ता जा रहा है। व्हेन एवर दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनकी एनर्जी जैसे एकदम डिफरेंट हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे बात करना है, इनको आपके साथ वक्त गुजारना है, और ये आपके साथ एक एक अलग सा अट्रैक्शन फील करने लगते हैं, कि जैसे ये आपको बहुत समय से जानते हैं, ये आपको कई जन्मों से जानते हैं, कई कई सालों से जानते हैं, ऐसी फीलिंग इस पर्सन को आती। हो सकता है आपके अंदर भी ये एनर्जी हो, आपको भी ऐसी फीलिंग आती हो कि जैसे पता नहीं मैं इसको कब से जानती हूँ, मैंने इसको कब से देखा हुआ है, मैंने इसको कब से पहचाना हुआ है, टच किया हुआ है। एक ऐसी एनर्जी हो सकती है आप दोनों के बीच में। मैं यहाँ पर ये भी समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, बहुत ही जल्द आपकी बात होने वाली है। जो भी लोग यहाँ पर अभी नो टैक्स सिचुएशन में है, या फिर बात कम हो रही है, या हो रही है तो ढंग से नहीं हो पा रही है, ढंग से वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जो बहुत समय से चाह रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, दो दिन बात होती है, दस दिन बात नहीं होती है, या बीच में गैप आ जाता है, तो वो चीज भी अब कवर अप होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन का जो एनर्जी है ना, वो अच्छे के लिए बदलने वाली है। ओके, एंड मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगी कि आपने इस वक्त में जितना हो सके अपनी मैनिफेस्टेशंस को आपने लिखने लगना है, या तो आप लिख सकते हैं, या आप मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कल के दिन में पूरे साल का बेस्ट डे है टू मैनिफेस्ट, ओके, इट इज द बेस्ट डे टू मैनिफेस्ट, क्योंकि जुपिटर जो है कंजंक्ट हो रहा है विद द सन, विच शोज कि आपकी मैनिफेस्टेशंस सच होने के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, क्योंकि जो भी लोग चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में कुछ मैनिफेस्ट करना, अपने करियर में कुछ मैनिफेस्ट करना, दिस इज द राइट टाइम, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अपने जो भी मैनिफेस्टेशंस है उसके लिए आप तैयार हो जाइए, ओके, एंड उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ओके, एंड जो भी लोग अपनी अपनी कंसल्टेशन को बुक कराना चाहते हैं, कल के लिए बहुत अच्छे अमेजिंग डिस्काउंट्स चल रहे हैं, सो आप जल्दी से बुक करा सकते हैं, सिर्फ वन डे के लिए ही है। ओके, एंड अगर आप कल नहीं भी लेना चाहते हैं, बट आप बुक करा सकते हैं, ऑफर में आप उसको बुक करा सकते हैं, फिर आप उसको वीक के बाद भी ले सकते हैं। ओके, सो एकदम ये चीज़ मुझे आपको कन्वे करने के लिए आई माइंड में, तो मैंने आपको कन्वे की कि कल का दिन बहुत अच्छा है, एंड आप लोग अगर कम्युनिकेट के लिए कुछ प्रे कर रहे हैं कि बात हो, हम एक दूसरे से ट्रांसपेरेंसी से बात कर पाए, अपने मन की बात बोल पाए, तो वो भी यहां पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ही जल्द आपके पास आने वाले हैं, और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से आने वाले हैं, सिचुएशन भी आपकी बैलेंस होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब ये आपके पास आएंगे, तो इनकी कर्मा की रियलाइजेशन के बाद ही आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि इनके कर्मा जो भी इन्होंने पास्ट में किया है उसका कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि जैसे नेगेटिव
एनर्जी इनको मिल रही है, उसका नेगेटिव रिजल्ट इनको मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इनको ऐसा भी लगता है कि आई हैव टू बैलेंस माई एनर्जीज, इनको अब अपने अंदर ही गलतियाँ समझ में आ रही हैं कि मुझे अपनी अपनी गलतियों को मैनेज करना पड़ेगा, मुझे अपनी गलतियों को सॉल्व आउट करना पड़ेगा, फ्लॉज उसमें नहीं है, फ्लॉज मुझ में है। सो शायद ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर अब इन्होंने बैलेंस नहीं किया, अगर अब इन्होंने एनर्जीज को जैसे गिव एंड टेक को प्रॉपर नहीं किया, तो शायद ये आपको भी खो सकते हैं, राइट। एंड फिजिकल अट्रैक्शन तो दिख ही रही है मुझे, और इनकी जैसे चार्ज हो जाएंगे अब इस रिश्ते के लिए, जैसे चार्ज हो जाता है ना कोई इंसान, जैसे हमारा फोन एकदम 5% बैटरी पे है, 1% बैटरी पे है, फिर हम उसको आधा घंटा चार्ज करते हैं तो एकदम मतलब बढ़िया से चलता है, तो वही चीज है। और फिर हमें डर नहीं रहता कि हम चलाएंगे तो बैटरी तो नहीं लो हो जाएगी, तो वो डर भी इनके अंदर से गायब होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरे तरीके से श्योर होकर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एनर्जीज अगेन बैलेंस होंगी, आपकी विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपसे बेटर पर्सन इनको कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस के साथ स्टार है, और ये जो एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, वो क्लियरली ये बता रही है कि आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं या आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ सीरियस कमिटमेंट के बारे में सोचने लगेंगे। ओके, हो सकता है कि जब आप लोग मिले तो शायद इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी चीज़ें, इतना सब कुछ यू नो उस लेवल पर नहीं था, या अभी बीच में नहीं था, बट अब ये इनकी एनर्जीज जो है ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एंड मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ एक फैमिली भी चाहते हैं, आपके साथ एक बच्चा भी चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो जो भी लोग प्रपोजल की वेट कर रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। ओके, एंड जो अबंडेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ के अंदर, इनकी चेंज, इनका इनका जो नेचर में चेंज होने वाला है, वो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देगा। आप अपने करियर में अच्छा कर पाओगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओगे। मुझे लगता है कि आपकी आपकी फिजिकल ब्यूटी प्लस इनर ब्यूटी से ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट हो रखे हैं इस वक्त में। ओके, एंड थोड़ा डिलेज आपने डेफिनेटली देखे हैं इस रिलेशनशिप में, बट इनको ये समझ में आ रहा है कि जैसा मुझे जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया है, तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ, तो ये रियलाइजेशन भी है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये हमको ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा जिसे बैलेंस्ड वे में डील करना पड़ेगा। आपको बस कुछ भी नहीं जाकर इनको कह देना है, कुछ भी नहीं बोल देना है, कुछ भी नहीं कर देना है, थोड़ा सा आपको बैलेंस्ड वे में इनके साथ यू नो बिहेव करना है। बैलेंस्ड इन अ वे कि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम इतना ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के सामने, तो क्या होता है कि वो फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, तो वो नहीं करना है, वो इनके साथ ये एक इशू है। ओके, पर ये थोड़ा कम कम चीज़ों को बोलते हैं, बट अभी ये बहुत कुछ जैसे समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को। आप क्या इनको दे सकते हो, आप क्या इनको दे रहे हो, ये आपको क्या दे सकते हैं, तो ये उस तरीके से चल रहे हैं। प्यार डेफिनेटली है इनके मन में, ठीक है। एम्प्रेस है और किंग ऑफ कप्स है, ये आपको खुद से भी ज़्यादा केयर से रखेंगे, खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करेंगे, अपनी चीजों से ऊपर ही आपको रखेंगे। क्योंकि किंग जो होता है वो फिर भी नीचे होता है ना, एम्परर तो नहीं है, महाराजा तो नहीं है, राजा है, बट आपको महारानी बना के रखेंगे, द एम्प्रेस आपको महारानी बनाकर रखना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो इतनी खूबसूरत एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कॉन्टैक्ट भी होने वाला है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, और सिर्फ उतना ही नहीं, आपके लिए जैसे ही आपको आपको मिलने का मन, आपको टच करने का मन, आपके साथ वक्त बिताने का मन भी इस पर्सन का बहुत कर रहा है। और देख लेते हैं इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या इनकी ट्रू डीप फीलिंग्स है फॉर यू। जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है, क्या उनकी पर्सन की एनर्जी है उनके लिए। थैंक यू इस वक्त, प्लीज बताइए मेरे, थैंक यू। Consider your foundation. Look at how committed you are to love. Guys, मैं यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि जैसे कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी कमिटमेंट भी टेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन की, अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ इतना बड़ा डिसीजन लेता हूँ या मैं आपकी तरफ आगे मूव करता हूँ, तो क्या आप
सब चीजों को समेट पाएंगे, संभाल पाएंगे, कमिटेड रह पाएंगे, एक होकर हो रह पाएंगे, है ना, एंड सब चीजों को अच्छे से रख पाएंगे जैसा जैसा वो सोचते हैं आपको लेकर, क्या वो हो पाएगा? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपकी आप कितने कमिटेड है वो भी चेक कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा कमिटेड होने वाली हैं। अगर अभी तक नहीं थी तो आप खुद देखेंगे कि पर्सन बहुत ज्यादा कमिटेड होने वाले हैं आपके लिए। द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन दैन मीट द आईज। हो सकता है जो आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा चल रहा है। हो सकता है कभी कभी हम कुछ बहुत गलत सोच लेते हैं सामने वाले के बारे में कि वो तो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, वो तो बिजी है। यहाँ पे टाइम इश्यूज भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज, कम्युनिकेशन गैप, वक्त नहीं देना, मिल नहीं पाना, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है जो मैं फील कर पा रही हूँ। नंबर 22, 4, 13, 50, 5, 23 and 14 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 8, 26 and 17 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो जरूरी नहीं है जो आपको दिख रहा है आपको सब उसी पे ही बिलीव कर लेना है। कभी कभी आपको कुछ चीजों को दूसरे एंगल से भी देखना है, राइट? एंड मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ कि ये पर्सन अपनी बैटल लड़ रहे हैं, बट ये आपके पास जरूर आएंगे। न्यू लव, सो ये जो कार्ड है ये हमको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो भी चीजें रुक सी गई थी वो फिर से शुरू होंगे। जैसे अभी वर्जन आपका 1.0 चल रहा था, तो अब 2.0 वर्जन आपका शुरू होने वाला है। एक एक जैसे सेकेंड फेज इस रिलेशनशिप का मुझे शुरू होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड ये रिश्ता भी जैसे बेटर होगा, फिर से एक जैसे एकदम खत्म हो गया था ना कोई चीज, जैसे खत्म हो गई थी, उम्मीद छोड़ दी थी आपने, तो फिर से ये चीज जैसे शुरू होगी और बहुत अच्छे तरीके से शुरू होने वाली है। जो भी लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे या कभी सोचते थे रहूं नहीं रहूं, तो एक ऐसा आपको वो फीलिंग आएगी कि ये पर्सन कमिटेड है, ये पर्सन अब रहना चाहते, आना चाहते, करना चाह रहे, कर रहे हैं, तो वो एक एनर्जी आप यहाँ पर फील कर पाएंगे। जितना हो सके अपने आप को गॉड से कनेक्टेड रखिए, प्रेयर्स कीजिए, अपने मन को अच्छा रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, उतनी ही जल्दी आपके रिलेशनशिप में आप चेंज देखेंगे, ठीक है? इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, या फिर हम अगर नॉर्मली हमारा रूटीन होता है मंत्रा चैंटिंग का या एटलीस्ट प्रे करने का फॉर 5 मिनट्स टू कम्युनिकेट विद गॉड, टू हैव दैट डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, हम वो नहीं करते। हमें हमें लगता है मूड खराब है, आज नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। हमेशा अच्छे के टाइम पे ही थोड़ी हम जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, हमें हर समय भगवान से कनेक्टेड रहना है, और ज़्यादा नहीं 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं भगवान से ज़रूर बात करें, रोज़ बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, जो चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए शुक्रिया अदा करें, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं बताते रहें। ये चीज़ भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, सृष्टि के अंदर आपको मैजिक क्रिएट करने में, राइट? एंड कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रपोजल, कोई नया प्यार भी आ सकता है जो कि इनकी लाइफ को बेटर करे। हैव पेशेंस, ठीक है? थोड़ा सा देखो, जैसे मैंने बोला वक्त लग सकता है, एंड लव इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड काइंडनेस, राइट? सो आपको पेशेंस रखनी है, थोड़ा सा वक्त और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखिए, ठीक है गाइज? एंड मैनिफेस्टेशंस मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। सो आप जितना इस पर्सन को प्यार से हैंडल करेंगे, जितना आप दिखाएंगे कि यू केयर, ओके, यू केयर, बट ऐसा ओवरडू नहीं करना, बट ऐसा भी नहीं होना कि बिल्कुल इमोशनली अनअवेलेबल, ऐसा भी नहीं करना है। सो बैलेंस से चलना है आपने, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त में, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वन लास्ट टाइम प्लीज। ओके, रोज क्वार्ट्ज आ गया हमारे पास, ब्यूटीफुल एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए क्रिस्टल्स की ज़रूरत है। आप रोज क्वार्ट्ज क्लस्टर्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्रेसलेट की फॉर्म में इसको पहन सकते हैं। सिर्फ रोज क्वार्ट्ज नहीं, अगर आपने ऑलरेडी पहना हुआ है एंड इफ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, तो प्लीज़ अपने लिए एक हायर फ्रीक्वेंसी का ब्रेसलेट जो कि आपकी लव रिलेशनशिप को हील करेगा उसको रेडी कराइए। उसके ऊपर भी बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स चल रहे हैं, अगर आप लेना चाहें अपने लिए कस्टमाइज क्रिएट करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है
कि आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू रिलेशनशिप आएगा या यही पर्सन नया बन के आएगा, क्या आप उसके लिए रेडी हो? अपने आप से उस चीज को पूछो, क्या आप अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हो? ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है खुद से कनेक्शन बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना आप सामने वाले से बनाना चाहते हो. पहले खुद से शुरू करना है, खुद को प्यार करना है. लव योर सेल्फ एज यू विश टू बी लव. जैसे आप चाहते हैं आपको कोई प्यार करे, वैसे सबसे पहले खुद को प्यार करना शुरू कीजिए एंड आप देखेंगे योर डोर्स फॉर रोमांस विल ओपन. ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है आप एफर्मेशन क्या कर सकते हैं इसके लिए. माय हार्ट इज ओपन, आई एनकरेज रोमांस इन माय लाइफ. जो भी लोग रोमांस चाहते हैं अपनी जिंदगी में, खुशियां चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, उनके लिए एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स उनको ब्लेस कर रहे हैं एंड आप ये क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ और बेटर हो सकती है, अच्छी हो सकती है. एक और कार्ड हम ले लेंगे आपके लिए. ओके, एंजल ऑफ नर्चरिंग. आपको बोला जा रहा है आप जो केयर हमेशा से चाहते हो, सामने वाले से चाहते हो कि वो मुझे दे, वो आप खुद को देंगे एंड आप ये एफर्मेशन यूज करेंगे, आई एम केयर्ड फॉर, लव्ड एंड अप्रिशिएटेड. ठीक है, सो यहाँ पर मुझे जैसे लग रहा है ना कि बहुत लोग ना जैसे सूख गया है, उनके उनके अंदर से कुछ जैसे सूख गया है, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है. नर्चरिंग जैसे कुछ लोगों को चाहिए, प्यार चाहिए, वो चाहते हैं उनको कोई केयर करे, उनको उनको अपना बोले, उनको उनके साथ रहे, उनके साथ वक्त बिताए. सो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. आप लोगों को डेफिनेटली ज़रूरत है. जो भी लोग हार्ट ब्रोकन है, जो अनलव फील करते हैं, वो अपने लिए ब्रेसलेट बनाए, उनके लिए क्रिस्टल भी बहुत अच्छा है एंड हो सके तो अपने लिए एक ब्रेसलेट रेडी करवाएं. क्रिस्टल्स को यूज करें, आपको बहुत हेल्प करेंगे. क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे ऐसा फील कर रही हूँ, ये सब कुछ बहुत ड्राई हो गया है लाइफ में आपकी एंड आपको लगता है कि कब मुझे प्यार मिलेगा, मैंने तो हमेशा दिया, मैंने तो हमेशा किया, मुझे क्यों नहीं मिलता है. तो जब हम ऐसे क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, अपने लिए अच्छी एफर्मेशंस करते हैं, अपने अपनी अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए चीज़ें, अच्छी वाइब्रेशन में रहते हैं, तब हमारे लिए चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाती हैं. क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो. तो ज़रूर लीजिए अगर अभी तक आपने कोई क्रिस्टल नहीं लिया है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए. सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़रूर इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करके जाइएगा, तभी इसकी पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव कर पाएंगे. एंड मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जो भी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बाय बाय, टेक केयर.